नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुटेक लाइव में। दोस्तों 19 सितंबर आज जो राजस्थान में लाइब्रेरियन का जो पेपर हुआ था उसकी जो राजस्थान जीके के आंसर किए वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए आपका बिना समय गवाएं शुरू करते हैं आंसर की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो था वह था जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था। जो जीवन कुटीर के गीत है वे लिखे गए थे हीरालाल शास्त्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संत दरियावजी रामसनई संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे। तो संत दरियावजी रामसनई जो रैण शाखा के जो है उसके प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। तो कानन मेला का जो संबंध है वह है बाड़मेर। और क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। जो भीमलाट विजय स्तंभ है वो स्थित है बूंदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। क्वेश्चन नंबर पाँच, हमीर राजस्व के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम था रणथंभपुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा चार डी। और क्वेश्चन नंबर छः, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वह ताम्र युग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सात, राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर आठ जो है वह अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है। तो अलीबख्शी ख्याल का जो संबंध है वह है अलवर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अलवर। क्वेश्चन नंबर नौ, मुसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। तो मुसी महारानी की छतरी जो है वो अलवर में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये 32 खंभों की छतरी है। क्वेश्चन नंबर नौ, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है। तो जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है वे माना जाता है स्वाई प्रताप सिंह। दोस्तों स्वाई जयसिंह ने इस चित्रकला की शुरुआत की थी, लेकिन जो स्वर्णकाल माना जाता है वो माना जाता है स्वाई प्रताप सिंह को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। वनस्थली विद्यापीठ जो है वो स्थित है टोंक में, और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी रतन शास्त्री ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रतन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देश हितैषणी सभा को कब स्थापित की गई थी। देश हितैषणी सभा को कब स्थापित की गई थी, डी 2 जुलाई 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था। तो राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी था उसका नाम था मेटकॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेटकॉप। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 16, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। महाराजा हनुमंत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराजा हनुमंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है। तो कालीबाई का संबंध जो है वो है रास्तापाल आंदोलन से, जो 1947 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रास्तापाल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में पावाड़ा का मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर रहेगा, पावाड़ा का मतलब होता है लोक गाथा है। 19, साधु सीताराम दास राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है। तो साधु सीताराम दास का जो आंदोलन है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। तो देखिए दोस्तों, मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला शासक का नाम था नागभट्ट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 में विप्लव में मारे गए थे? तो 1857 के विप्लव में तो पॉलिटिकल एजेंट जो था वो था मेकमोहन जोधपुर का, वह मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 22, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो ये अधीनता स्वीकार की थी महाराजा जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, खेजड़ी का पेड़ जो संबंधित है वो लोक देवता गोगा जी से संबंधित है, और ये कहावत भी प्रचलित है कि गांव गांव गोगो गांव गांव खेजड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोगा जी। क्वेश्चन नंबर 24, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? तो जो मेवाती बोली है वह अलवर, मेवात क्षेत्र यानी अलवर में से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो घूमर नृत्य का आयोजन गणगौर के त्यौहार पर होता है। किस त्यौहार पर? गणगौर के त्यौहार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सुमेलित नहीं का पूछा है, तो नक्की झील है वह सिरोही में ही स्थित है, और गढ़शीसर जैसलमेर में स्थित है, उम्मेद सागर जोधपुर में है, तलवारा गंगानगर यह सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तलवाड़ा जो है वह बाड़मेर में है, न कि गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वंशधरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो वंशधरा पहाड़ी स्थित है सज्जनगढ़ अभ्यारण उदयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वह है बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है वह है गंगनहर परियोजना, 1927 में शुरुआत हुई थी, तो गंगनहर परियोजना सबसे पुरानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो इस राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरान मोहद्दी द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया है? इसका क्वेश्चन हमारे पास इसका आंसर नहीं है, अगर आपको इनका आंसर आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जून जुलाई में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो जून जुलाई के महीने में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है वे चलती है गंगानगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान के नागौर पाली जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती हैं बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 35, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला है वो है बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? तो जोगी महल स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा काली मृदा नहीं है, जलोढ़ मृदा नहीं है, बी और सी में कन्फ्यूजन है, तो या तो इसका आंसर होगा बी या होगा डी। तो बी या डी में से एक आंसर होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बर्बरी एक प्रजाति है,
जो बर्बरी प्रजाति है वह किसकी है, तो यह प्रजाति है बकरी की। तो 38 में आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फेल्डस्पार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है। तो फेल्डस्पार खनिज जो मिलता है वो मिलता है पेगमेटाइट चट्टानों में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है वो है डी, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है। तो ये मृदा नमी का संरक्षण, भूमिगत जल भरण पुनर्भरण, वालों का स्थिरीकरण, वातरोधी वर्षारोपण झाड़ी। तो ये जो सबसे उपयुक्त तकनीकी है वो है डी, वातरोधी वर्षारोपण पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर होगा ए, केला देवी अभ्यारण्य जो है, इन चारों में से केला देवी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 676 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केला देवी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भिकाभाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। तो जो सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला है वह डूंगरपुर। तो भिकाभाई सागवाड़ा नहर में सर्वाधिक लाभान्वित वाला जिला डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्डस्पार उत्पादक जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक फेल्डस्पार उत्पादक वाला जिला है अजमेर। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है अविकानगर टोंक। तो राइट आंसर है सी, अविकानगर जो टोंक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी इस तरफ नदी दे रखी है और इस तरफ सहायक नदी दे रखी है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है सी, माही साबरमती। साबरमती जो नदी जो है वह खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी, सुमेलित नहीं का पूछा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में निम्नलिखित सम्मिलित है। तो जो अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में जयपुर अजमेर टोंक वेदोसा सम्मिलित है, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, गजनेर लिप्त नहर का नया नाम क्या है। गजनेर लिप्त नहर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पन्नालाल बारूपाल लिप्त नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं का पूछा है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो झक्कम नदी है वह सम्मिलित नहीं है।